जीवन के सार के अनुसार सिद्धांतों को है बनाना। प्यारे खोजियों, सुबह शाम की प्रार्थना के साथ ध्यान आज करेंगे। सभी आंखें बंद करके बैठें ध्यान मुद्रा में। कुर्सी पर बैठे हों या सुखासन में जमीन पर बैठे हों, जिस भी आसन में आप एक लंबा समय बैठ सकते हैं उस सुखासन में बैठें, मगर रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, बिना तनाव के रखें, सीधा होकर थोड़ा ढीला छोड़ें। पूरे शरीर को शांत होने का कमांड दें, सूचना दें, रिलैक्स हो जाओ और अब ध्यान में संयोग करो। स्वयं को जानने का ध्यान शुरू करें। आप कौन हो? स्वयं से मुलाकात करना मत भूलो। आप लापता मत हो जाओ। आप मिसिंग मत हो जाओ। सार समझो, ध्यान का सार। थोड़े में ये सार समझो और इस अनुसार सिद्धांत बनाओ। सत्य को जानकर तेज ध्यान, तेज मौन ध्यान शुरू करें। स्वयं के साथ वास कर तू उपवास तू। जो आप हैं उसके साथ रहना कैसा आनंद है, यह तो होकर ही जाना जा सकता है। इस वक्त आप वही करने के लिए बैठे हैं। अपनी समझ अनुसार इस वक्त सभी काम करेंगे। जिनका महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हुआ है या नहीं हुआ है, सभी अपनी समझ अनुसार ध्यान करेंगे, बैठेंगे और जैसे बताया जाए वैसा करते रहेंगे और गहराई में जाने का लाभ लेंगे। एक बड़ा समय जो इस वक्त आप ध्यान में बैठे हैं, आप पूरी गहराइयों तक पहुँचें
यह उद्देश्य है। जो ध्यान आप करेंगे इसे मुक्ति प्रकाश ध्यान कहें। हर ध्यान आपको स्व अनुभव पर ले जाने में मदद करे, आसानी दिलाए, आदत डाले, ताकि आप माया में भी स्वयं प्रकाश में सही दिशा में आगे बढ़ पाएं। संपूर्ण ऊर्जा के साथ, चेतना होश के साथ कर्म करें। जीवन मृत्यु के बीच में आप सब देख रहे हैं, साक्षी हैं। आप कौन हैं? आप जीवन के अवतार हैं। इस जीवन में आपके अंदर ऊर्जा को रुकावट मिल रही है या खिलावट मिल रही है? फ्री फ्लो के साथ आपका जीवन बह रहा है या बाधाएं हैं? बाहर की बाधाएं आपका विकास करवाती हैं। अंदर से उठने वाली बाधाएं आपका तेज विकास करवाती हैं। अगर बाधाओं को पार करने की कला सीख गए, वरना विरोध के साथ जब भी जीवन को विरोध मिलता है, ऊर्जा को विरोध मिलता है, तो पाप कर्म क्राइम तैयार होता है। जिन लोगों को केवल विरोध मिला वे अपराधी बन गए। सबके लिए प्रार्थना करें कि विश्व से विरोध समाप्त हो। लोग विरोध अवरोध को पार करना सीखें। ज्ञान और भक्ति से समाप्त करना सीखें। स्वीकार और इकरार से समाप्त करना सीखें।
ऊर्जा को जब फ्री फ्लो मिलता है तब उच्चतम विकसित अवस्था प्राप्त होती है। मनुष्य देह में ही जीवन ऊर्जा को संयोग मिलने के साथ ज्ञान भक्ति प्रेम के साथ ऊर्जा को महासंयोग मिलता है। बुद्ध महावीर इसी उच्चतम विकसित अवस्था का नाम है। आपके जीवन में भी यह विकास तेज विकास हो, आपकी प्रार्थना द्वारा सभी को इस तरह का फ्री फ्लो मिले ऐसी दुआ करो, ऐसी प्रार्थना करो। कुछ क्षण इस बात को समझते हुए सभी के लिए प्रार्थना करें। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, पैदा होना या मरना? इस वक्त पैदा होके आपको कई साल हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं यानी मरे नहीं हैं। आप दोनों के बीच में उच्च अवस्था में बैठे हैं। आप ऊर्जा के अवतार हैं। फुल टॉस फुल फ्री फ्लो तालमेल में इस ऊर्जा को स्वीकार भाव के साथ बहने दें। अलाइनमेंट बनी रहे। ऊर्जा को संयोग मिला तो तेज बढ़ता है। ऊर्जा को संयोग नहीं मिला तो विष बढ़ता है। ऊर्जा को जब संयोग असंयोग मिलता है तो इंसान आम जीवन जीकर मरता है। उच्चतम विकसित अवस्था के लिए विरोध समाप्त करें। प्रार्थना की शक्ति से हर विरोध को समाप्त करने की शक्ति अपने लिए औरों के लिए मांगें। तेज को मौका दो
ध्यान से, प्रार्थना से, क्षमा से, किरणों से हैप्पी हैट पहनकर यह हो सकता है। अपना ध्यान श्वास पर ले जाएंगे जो इस वक्त जागृति में चल रही है। दिन भर श्वास चलती है मगर हमारी जागृति में नहीं होती है। इस समय का लाभ लें, सभी जागृति में श्वास के आने जाने को जानते रहें। मात्र साक्षी। श्वास अंदर जा रही है फिर लौटकर बाहर आ रही है। कुछ समय जल्दी आ रही है, जल्दी जा रही है, मगर थोड़े समय के बाद आप देखेंगे उसकी गति में स्थिरता आएगी, धीरे धीरे चलेगी। कुछ पल धीरे धीरे सांस लेंगे, लेते लेते एक क्षण रुक कर फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे, 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 फिर दो क्षण रुक कर श्वास लेना शुरू करेंगे धीरे धीरे। इस तरह आप देखेंगे कि एक मिनट में आप 7 श्वासें ले रहे हैं। बिना गिनती के चक्कर में जाए बस आप इस तरह श्वास लेते रहें। श्वास उठी है अंदर अंदर अंदर। रुकी है बाहर जा रही है। रुकी है
फिर से अंदर। यह सिलसिला कुछ मिनट्स चलता रहे। सब शांत है। श्वास को अब जैसे चलती है चलने दें, केवल जागृति बनाए रखें। आप कौन हो? मैं कौन हूँ? Who am I? स्वयं से सवाल पूछकर अनुभव की तरफ शिफ्ट हो जाएं। श्वास से
आगे बढ़कर श्वास के पीछे जानने वाले को जानने के लिए मैं कौन हूँ पूछें और बैठे रहें शांत। मैं कौन हूँ?
जिनका शिविर नहीं हुआ है वे श्वास पर ही अपना ध्यान लगाए रखेंगे। जैसे चलती है चलने देंगे और अपने शरीर की अनोखी अवस्था में पहुंच जाएंगे। बिना फल की कामना किए बैठे रहेंगे, इस सुंदर मौके का लाभ लेंगे। विचारों की हवाइयां चलने वाली हैं, आकाश में उठकर विलीन होने वाली हैं। हमारे अंतर आकाश में विचारों की हवाइयां उठती हैं, गायब होती हैं। जानने वाला निश्चिंत है, निर्लिप्त है, अनासक्त भाव में जान रहा है। तटस्थ भाव से सब जाना जा रहा है।
विचार पास हो रहे हैं, सामने से गुजर रहे हैं, उनकी गति कम हुई है। मैं कौन हूँ? Who am I?
अंतर आकाश में उठने वाले विचार भाव सभी से दूरी बनाए रखें। आप कौन हो? इस वक्त आपके अंदर क्या चल रहा है?
ध्यान चलता रहे। अपना ध्यान स्वयं के साथ वास करें, उपस्थित रहें।
कुछ क्षण के बाद सभी आंखें खोलने वाले हैं। महसूस करें इस वक्त कैसी अवस्था निर्माण हुई है। तपर्पण करें, जो तप अर्जित हुआ है उसे लोक कल्याण के लिए, सभी के लिए जिसमें आप भी हैं, अर्पित हो जाए, समर्पित हो जाए, सदुपयोग हो जाए। इस तप के बल से सबका मंगल हो। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें।